वॉलेट दोस्तों तो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन पता कौन सा है, वो है दोस्तों नथिंग टू, जो कि बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में चल रहा था। इसका हुआ मचा हुआ था, फिर मैंने सोचा था ऐसा क्या ही है नथिंग में जो कि बहुत ज्यादा क्रेज है लोगों का। तो मेरी भाई मेरे दोस्त को हुई थी चुल और वो गया था क्रोमा पे, तो मैंने सोचा भाई चल मैं भी चल रहा हूँ। उसने मुझे बोला कि चल चलते हैं एक फोन लेके आते हैं, वो भी नथिंग का। तो भाई हम क्रोमा पे गए और इसके अंदर लेके आए हैं नथिंग टू स्मार्टफोन, जो कि काफी तगड़ा, दिखने में काफी बढ़िया लगता है। बट ओपन करके जानेंगे कि क्या ये सच में अच्छा है यह फोन या नहीं है। और अगर बात करते हैं इसका प्राइस का तो 40,000 रुपए का पड़ा दोस्तों, और इसका वेरियंट है 512 GB का। तो सिंपली इसका डब्बा खोल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये नथिंग का फोन ओवर रेटेड प्राइस तो नहीं है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, या हवा ही मचा रखा है। तो सिंपली डब्बा खोल करते हैं नथिंग का, और नथिंग का देखते हैं कि क्या है इसके अंदर माल मसाला। दोस्त को बता के लाया हूं फोन, इसलिए डब्बा खोल करता हूं, मेरा नहीं है, ठीक है। 40,000 रुपए का मेरी औकात नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो सिंपली इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मिलता है कुछ बिलून, इसको फेंको क्योंकि अपने काम नहीं है। ये है हमारा नथिंग, जो कि एक क्रोमा का एक पता नहीं क्या, उनको एक चुल मची हुई है। वो पता क्या बोलते हैं कि आप वहाँ पे सामान लिए हो तो ओपन करके ही जाओगे। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, वहीं पे हमने डब्बा ओपन कर लिया था क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसी है उसको वॉलेट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ओपन कर लिया था। तो सिंपली इसे हटाते हैं और एक एक करके जानेंगे कि क्या है इसके अंदर माल मसाला। ये दोस्तों हमारा स्मार्टफोन, यहाँ पे नथिंग आ रहे हैं और फोन टू। अगर बात करते हैं इसका बॉक्स पैकिंग तो काफी स्लिम इनकी इसकी बॉक्स पैकिंग है, काफी बढ़िया लग रहा है। वही इसकी बात करते हैं इसका बैक साइड में, तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर मिलता है लाइक IMEI नंबर और इसके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, और सिंपली डब्बा खोल कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफी अच्छे इसके टेक्सचर है, देखो अगर टेक्सचर देखोगे ना तो काफी अच्छा फील देके देख सकते हो। और यहाँ पे एक नथिंग जैसा फोन का डिजाइन दिया गया है जो कि इसे अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मिलता है हमारा स्मार्टफोन, व्हाइट कलर का है। यहाँ पे इसके कैमरा प्रोटेक्टर है ताकि इसका जो कैमरा लेंस है वो खराब ना हो। और यहाँ पे इसके कुछ पेपर मिलते हैं जो कि जानेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ डिजाइन बाय नथिंग, जिस तरह एप्पल अपना देता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, सेम उसने कॉपी करके यहाँ पे चिपका दिया। तो ये काफी अच्छा बात है नथिंग के लिए कि कोई भी तो एप्पल का कॉपी करता है। यहाँ पे दोस्तों मिलता है कुछ इसके पेपर वर्क, जो कि हटाते हैं इसके, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर मिलता है। एक इतनी बड़ी यूजर मैनुअल यानी पेपर का वेस्टिंग है, तो सिंपली इसे हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। यहाँ पे मिलता है इसके प्रोटेक्टर, यहाँ पे दोस्तों मिलता है सबसे मस्त, यहाँ पे यूनिक चीजें मिल रहा है, वह है दोस्तों सिम इजेक्टर, जो कि काफी मुझे बढ़िया लग रहा है। एक ग्लास का यहाँ पे लुक देखने को मिल रहा है, काफी मजबूत है और आराम से इससे सिम निकाल सकते हो, स्टाइल मार सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ये दोस्तों इसका केबल जो कि टाइप सी टू टाइप सी है, और यहाँ पे अगर बाहर की देखा जाए तो यहाँ पे ग्लास का दिया गया है फिनिशिंग, और अंदर इसका मेटल का दिया हुआ है। और यहाँ पे नथिंग का भी ब्रांडिंग है, यानी ब्रांडिंग करना छोड़ा नहीं इन्होंने, सेम एप्पल जैसी है। तो यहाँ पे छोड़ो, और यहाँ पे लुच्चो ने एडाप्टर तक नहीं दिया, जो कि बाहर से मुझे 1500 रुपये खरीदना पड़ेगा, जिस तरह एप्पल करती है उस तरह इसने भी यही हरकत ही करा। तो अभी इसको हटाते साइड में, और ये है दोस्तों हमारे स्मार्टफोन फाइनली नथिंग, व्हाइट कलर का है, दिखने में मस्त लग रहा है। यहाँ पे कुछ इसके हैं जो कि हटाते हैं। ये दोस्तों हमारा सस्ता फेक एप्पल वाला नथिंग टू, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है दिखने में। और ये आपको फोन कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को। और इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर फीचर है, क्या माल मसाला है कि जो इतना महंगा प्राइस पड़ा 40,000 रुपये का है, और देखेंगे कि 40,000 रुपये के लिए लायक भी है या नहीं है, सिंपली इसके बारे में जानते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा स्मार्टफोन, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है, सस्ता लग रहा है, और यहाँ पे दोस्तों ट्रांसपेरेंट है, यानी सब चीज ट्रांसपेरेंट मिल रहा है, काफी बढ़िया है। दिखा सकते हो कि इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर सारी चीजें माल मसाला आप दिखा सकते हो, बाहर चमका सकते हो, यहाँ पे नथिंग का दिख रहा है, प्लस में यहाँ पे सारी चीजें ना छमक छल्लो वाली लाइट भी जलेगी, जो कि ठीक ठाक है। आराम से एक 30 रुपये की छमक छल्लो, यहाँ पे 40,000 रुपये का चूना लगा है, तो बिल्कुल चूना और कत्था दोनों लगा दिया उन्होंने नथिंग वालों ने। तो लाइट भी जला के दिखाऊंगी कि किस तरह इसमें लाइट जलता है। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस कर सकते हो, यहाँ पे मिलता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और यहाँ पे दोस्तों मिलता है टाइप सी जैक, सिम इजेक्टर, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, और कुछ भी नहीं यहाँ पे आपको मिलता है माइक्रोफोन का, जो कि नॉइसी है, काफी बढ़िया है, ठीक ठाक है। ऑलराइट दोस्तों आपने फोन तो देख लिया, आप सिंपल इसे ऑन करके देखेंगे कि क्या ये चार्ज है भी या नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका एडाप्टर लुच्चो ने दिया नहीं, क्योंकि एडाप्टर का जो कीमत है वो 1500 रुपये का है, जो कि अमेजन पे मुझे खरीदना पड़ रहा है। और ये दोस्तों सेम एप्पल जैसा हरकतें कर रहा है यार, एडाप्टर तो देना चाहिए भाई, इसमें 40,000 रुपये का मैंने खर्च किया है, तो एडाप्टर 1500 रुपये दे देता तो क्या बिगड़ता, ये समझना चाहिए यार नथिंग वाले भाई, समझो।
अडेप्टर मिलना बहुत जरूरी है। हमसे पूछो जो हम 1500 रुपए बाहर लगाते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ दोस्तों कॉफी पी सकता हूँ स्टारबक्स पे 1500 रुपए का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप समझो यार, अडेप्टर फ्री में दिया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम याद रखना, कोई बात नहीं नथिंग वाले। यहाँ पे डेट दिखा रहा है और देखो इस तरह का थीम है भाई साहब, बिल्कुल एक मस्त लग रहा है। दिखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे टाइमिंग, ऐप का लोगो, ये सारा इन्होंने सेम टू सेम ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है, यानी डार्क मोड कर रखा है। काफी टाइम दोस्तों करने के बाद इसके जो आइकन है उसको मैंने कलर लाया हूँ, क्योंकि काफी मेहनत किया उसके लिए। दोस्तों लाइक जरूर करना। और दोस्तों इसका जो अंदर का फीचर है ना, UI है ना, उसको समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो उसके लिए दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं इसमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आइकन पैक पे गया ना, तो यहाँ पे अगर नथिंग पे जाओगे ना, तो जितने भी चीज़ें यहाँ पे है ना, सारी नथिंग, जैसे जो भी कस्टमाइज उसने नथिंग ने किया था, सारा इसमें मिलता है, जो कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर डार्क नेट चाहिए तो डार्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको कलर भी मिलता है, और ऐड जाके ना कुछ भी आपको प्ले स्टोर में जाके आप ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो और चेंज भी लगा भी सकते हो। बट वही अगर डिफॉल्ट पे जाते हो ना, तो जितने भी सारे ऑलरेडी ऐप का आइकन होता है, जो कलर होते हैं, वो सारे इसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये अच्छा है यार। वो ब्लैक एंड व्हाइट तो मुझे बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है कि मैं 19वीं सदी में आ गया। तो ये चीज़ें हटाते हैं। अगर वही बात करते हैं दोस्तों और भी इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप वॉलपेपर में जाके ना चेंजेस कर सकते हो। तो कई सारे अगर कलर है यहाँ पे, अगर आप ना लाइक अगर मैं ग्रीन चूज करता हूँ, ठीक है, तो लाइट ग्रीन जगह चूज करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी स्क्रॉलिंग का फीचर होगा सारे हाईलाइटेड यहाँ पे ग्रीन ही होगा। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक एक चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो और काफ़ी मस्त लग रहा है मुझे। और इसका जो UI है ना, काफ़ी मस्त लग रहा है। वही बात करते हैं इसका दोस्तों सेटिंग में जाके, तो यहाँ पे इस तरह का आपको मिलता है। यहाँ पे जो सेटिंग देखोगे ना, तो इसका जो स्टाइल है ना, ये काफ़ी मुझे बढ़िया लग रहा है। अगर और स्क्रॉल करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अबाउट में जाके ना, यहाँ पे नथिंग टू OS इस तरह का आपको दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे एक फोटो और इमेज के साथ भी दिख रहा है। अगर मेरे पास ब्लैक होता या ग्रे होता तो भी यहाँ पे शो होता, और मेरे पास अभी वाइट है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसका फीचर का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अबाउट में मिल जाता है, जो कि नॉर्मली एंड्रॉइड फोन में नहीं मिलता है। मैंने कई सारे फोन यूज किया है जिस चीज में दिखता ही नहीं था, बट यहाँ पे आपको मिल जाता है। दोस्तों नथिंग फोन को तो मैंने ओपन कर दिया। जो इसका UI है ना यार, सच में बताऊं बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। मैंने बहुत ज्यादा एंड्रॉइड फोन चलाया है, महंगा भी चलाया है, बट ये जो फोन है ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ और काफी बढ़िया लग रहा है। इसका UI हो गया, या जितने भी कस्टमाइज आप एक एक चीजें कस्टमाइज इसमें कर सकते हो। और रही बात एक एप्पल यूजर हो तो आप उसमें कस्टमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, बट इसमें दोस्तों ऐप आइकन तक चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप सेटिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको अबाउट फोन दिखेगा, जो कि इस तरह का है। ये काफी बढ़िया, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपने फोन कौन सा है, कौन सी कलर का है। अगर इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे कैमरे का जितना भी मेगापिक्सल हो गया या प्रोसेसर हो गया, बैटरी का सारा चीज इसमें दिख रहा है। लेट्स अगर बात करते हैं इसका प्रोसेसर का, तो ऑक्टा कोर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen। और कैमरे की अगर बात करते हैं इसका बैक का, तो मिल जाता है दोस्तों 50 MP प्लस में 50 MP, यानी दोनों कैमरा 50 MP के, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर वही दोस्तों फ्रंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 32 MP, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और वही दोस्तों रैम की बात की, जो 12 GB रैम, स्टोरेज 512 GB, जो कि आप भर भर के गेम खेल सकते हो और फोटो भी रख सकते हो। प्लस में बैटरी भी मिल जाता है, 4700 mAh की बैटरी है, 6.7 इंच का एक फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आराम से इसमें गेमिंग खेल सकते हो, PUBG तक काफ़ी बढ़िया लगेगा और गेम खेलने में भी मस्त लगेगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका साइड में, तो एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, दूर से भी दिखने में मस्त लगेगा। और यहाँ अगर बात करते हैं बैक साइड में, तो यहाँ पे आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास। अगर ये फ़ोन गिरता भी है ना दोस्तों, अगर कम लाइक 6 फीट की ऊंचाई पे भी गिरता है ना, तो ये फोन सर्वाइव कर जाएगा, टूटेगा भी नहीं। बात करते हैं दोस्तों इसका रिफ्रेश रेट का, तो 120Hz का इसका रिफ्रेश रेट मिलता है। दोस्तों इस फोन में मिलता है डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट, जो कि आराम से टैप करना और ओपन कर सकते हो। इसका UI काफी बढ़िया है और डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया है। और दोस्तों एक मजे की चीज बताऊं, तो ये देखना, ये दोस्तों हमारा 40,000 रुपए का फोन, जो कि छमक छल्लो लाइट स्टार्ट हो गया है और काफी बढ़िया सारी चाह पे लाइट यहाँ पे दिख रहा है। और भाई जो भी फोन आएगा, कैमरा ऑन करोगे, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, सारा लाइट जलेगा। एक चीज बताऊं, यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइट मिल रहा है, रेड लाइट, जो कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ना, लेट सपोज अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, देखो स्टार्ट होगा वीडियो, अब यहाँ पे देखिए रेड कलर का नोटिफिकेशन देगा, जो कि काफी बढ़िया है, आपको सामने वाला दिख जाएगा कि हाँ वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारा 2000 पिक्सल पे देख के आप काफी बढ़िया लगेगा, और लाइक भी जरूर कर सकते हो। और क्वालिटी देखा जाए
तो अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी का, तो बढ़िया है, आप जूम भी देख सकते हो और काफी फुल डिस्प्ले पे ये चल रहा है वीडियो। फाइनली दोस्तों हमारा नथिंग ये फोन तो रेडी हो गया, दिखने में काफी बढ़िया है। ओवरऑल सारा टेस्ट कर लिया, लाइक फिंगरप्रिंट का, प्रोसेसर का, रैम का, सारा चीज देख लिया। इनफैक्ट आप दोस्तों गेम भी खेल सकते हो, बैटरी हेल्थ भी अच्छी है, लगभग 4700 mAh की बैटरी है जो कि काफी आराम से गेमिंग खेल सकते हो। एक दोस्तों मजे की बात बताओ, इस फोन में अगर आप वॉल्यूम को प्लस माइनस करते हो ना, इंक्रीज डिक्रीज करते हो ना, तो यहाँ पे आपको लाइट भी जलेगा देखो, जो कि काफी बढ़िया है। और एक मुझे काफी अच्छा लगा इसका फीचर जो कि मोस्ट अच्छा था इसका, वो था दोस्तों इसका यूआई जो कि काफी बढ़िया है। आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और जो भी आपको कलर चाहिए ऐप में, जो नहीं चाहिए वो भी आप लगा सकते हो इस फोन में। दोस्तों बात करते हैं इस फोन का ओवरऑल क्वालिटी का, तो मुझे तो ठीक ठाक लगा, बट प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। इसका प्राइस अगर 30,000 रुपए का होता ना, तो भाई नथिंग इंडिया का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में से ये एक हो जाता, और इसको दोस्तों फोन हर बंदा लेता, हर बंदा इसे अफोर्ड कर लेता। बट दोस्तों इसका प्राइस 40,000 रुपए, तो दोस्तों मैं भी नहीं ले सकता, बिकॉज रिसेंटली मैंने दोस्तों आईफोन 15 लिया, तो किडनी बेचने से तो रह गया, बट इस फोन को तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, बिकॉज यूट्यूब वाले पैसे मुझे नहीं देते। तो नथिंग वाले भाई फोन तो बढ़िया बनाया आपने, बट एडेप्टर देना चाहिए नेक्स्ट टाइम दोस्तों, एडेप्टर जरूर देना, और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना इस वीडियो को कि नथिंग में कैसा कैसा उनको फीचर लगा। दोस्तों ये फोन कैसा लगा आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल करो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि नथिंग फोन इतना महंगा मत खरीदना, वैल्यू फॉर मनी नहीं है।